मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अजय शहरावत साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ अभिजीत द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी। भैया जी कहीं मैं आपका। राहुल लाल जी हमारे साथ पत्रकार हैं, चिरपरिचित चेहरा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, AIUMM, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे, और हमारे साथ पंकज भारद्वाज जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों ने सोचा कि जब तक वो गुलाम सर वो आए कौन सूर्या मैथिल, तब तक डिबेट खत्म कर लेते हैं, बोले बोले हल्ला मचे उससे पहले ही डिबेट खत्म कर लेते हैं। आज का जो मुद्दा है, कांग्रेस ने कहा कि दो नाम है, एक है पूजा और एक है तपस्या। अरे भाई किसी और का नाम नहीं है यहां पे, ये वर्व का नाम, वर्व है क्रिया, तपस्या माने उन्होंने कहा कि तप से जुड़ी है, और पूजा जो है इसमें परिक्रमा है, आरती है। आप मतलब निकाल सकते हैं जब राजनीति के क्षेत्र में ये दो शब्द बड़े जबरदस्त शब्द हैं और इनकी अपनी महिमा है। मैं क्लासिकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं, क्लासिकल डेफिनेशन तो इसकी आप सब जानते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल उस मुद्दे पे आता हूं। जब ये राजनीति के क्षेत्र में आते हैं ये दो शब्द, तपस्या और दूसरा, भैया ऐसे करोगे तो भैया जी कहीं तो हम तो कर चुके भाई, तुम लोग करो, यहां हमारी जिम्मेदारी नहीं है अकेले की भैया जी हम करें। पूजा और तपस्या, तो पूजा और तपस्या ये दो मुद्दे पे हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ पूजा करते हैं और कांग्रेस वाले तपस्या करते हैं। तो अब ये, हाँ जी, बड़ा नकली मुद्दा है। हाँ जी, कांग्रेस के लिए बड़ा नकली मुद्दा है। नकली मुद्दा है, नकली मुद्दा है। कैसे, क्या 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 बोले आप अभी? वो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले तो सिर्फ पूजा करते हैं, हम तपस्या कर रहे हैं। तब पूरी वर्ल्ड में मोदी जी से ज्यादा तपस्वी बड़ा है कोई? कोई बता सकता है यहाँ इतनी जनता, कोई बता सकता है मोदी जी से बड़ा तपस्वी? कोई भी नहीं कर सकता है। मोदी जी ने जो किया है आज तक किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया देश के लिए। हम तो उनको प्राउड देते हैं सर। गजब है भाई, ताली काय के लिए बजा रहे, बहुत सुंदर है तुम्हारी जैकेट। क्या नाम है? मोहित राघव। तो पूजा की तपस्या, पूजा समझ लेना, ये पूजा तपस्या यहाँ युक्स की बात हो रही, वो अपना मायने निकाल लेना कि वो सोचे अपना मायना निकाल लिया पूजा तपस्या, यहाँ पूजा तपस्या की बात हो रही है। पूजा मैंने बताया जिसमें परिक्रमा भी शामिल है, आरती भी शामिल है, लेकिन तपस्या जिसमें तप शामिल है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो तप वाली पार्टी है जिसमें सिर्फ तपस्या हो रही है, और तपस्या से हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो जो बीजेपी है वो पूजा है। जी जनाब, निरंजन जी पोद्दार साहब, ऐसा है प्रतीक जी, जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो मैंने सोचा भिन्न भिन्न प्रदेश, भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न राज्य, भिन्न भिन्न भाषाएं, हो सकता है ये भारत को समझेंगे। इनको भारत अब समझ में आएगा जब लुटियंस जोन से निकल करके ये कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक चलेंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है हिंदुस्तान के क्या वर्ल्ड के अंदर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बनी जो राहुल गांधी जी को दुनियादारी में ग्रेजुएट कर दे। मैं सच कह रहा हूं आपको, अभी भी अगर जब वो कभी हिंदू हिंदुत्व है, कभी तपस्या, कभी पूजा, अरे इन मायनों को समझते हो? इन मायनों को समझते हो? इस देश का मेरे हिसाब से जो आदमी भारत माता की पूजा करता है वो भी पुजारी है, जो देश के लिए मरता है वो भी पुजारी है, वो देश का पुजारी है। आपने कैसे डेफिनेशन लिया? क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साधु संत जितने दुर्वेद फकीर आए उन्होंने एक भगवा पहनकर तपस्या की है, तप किया है, आज जो भगवे कलर का अपमान किया जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया। जनाब अली आ गया। देखिए उनका पूरा बयान क्या था, पूरा बयान एक तरह से वो तपस्या के बारे में कह रहे हैं, और पुजारी में भी वो जरा उसको स्टेटमेंट को अधूरा छोड़ दिया हम लोगों ने। पुजारी में कह रहे हैं वो कि भारतीय जनता पार्टी दो लोगों का पूजा कराना चाहते हैं, यहाँ पे पूजा करवाया जाता है, यहाँ पे व्यक्तिवाद की बात, अरे छोड़ दीजिए देश की पूजा, यहाँ पे प्रधानमंत्री खुद की पूजा कराने में विश्वास करते हैं, सुन लीजिए पहले। हर हर देखो प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी पूजा करवा के बताइए उनके कंस्टिट्यूएंसी में बनारस में अगर हर हर महादेव हर हर गंगे का नारा, घर घर मोदी हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ने कभी खंडन किया? शरावत साहब, शरावत साहब, शरावत साहब,
बीजेपी से हैं जी। देखिए पहली बात तो राहुल गांधी जी हर दिन जिस दिन भी वो कोई स्टेज पकड़ते हैं या मंच पकड़ते हैं सिर्फ कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं, बेहतर है कि वो रोड पर सिर्फ चुपचाप चलते रहें, क्योंकि उनको रास्ता तो समझ में आता है लेकिन राजनीति अभी तक भी समझ नहीं आती है। ये कोई बचपन में नहीं है, अब वो 55 के करीब हो गए हैं और अगले 29 तक वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे लगभग, उनकी पेंशन बन जाएगी भारत सरकार से। बनाना ये गलत बात है, हंसना नहीं है बिल्कुल, नहीं आप बिल्कुल हंसिए। अगर अभी इस उम्र में वो इस तरह के बचकाने बयान देंगे तो बताइए कैसे राजनीति होगी। नीरज जी, जनाब अली, कांग्रेस। प्रतीक जी, आज जब मैं डिबेट की तैयारी कर रहा था, हाँ जी, तो कुछ ख्याल आ रहे थे। ख्याल शेयर करिए। ख्याल ये आ रहे थे, हाँ, कि आज जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, हाँ, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ, जोशीमठ का मुद्दा है, हाँ, उन मुद्दों को छोड़कर, हाँ, आज देश का, हाँ, जो नंबर वन डिबेट शो है, हाँ, आज वो किस बात पर डिबेट कर रहा है? तपस्या और पूजा पर जी। हाँ। देखिए तपस्या हमारी सनातन पद्धति में सबसे बड़ी फॉर्म है पूजा करने की। आप जब तप करते हैं, जब संघर्ष करते हैं तो आप निखर कर निकलते हैं। जैसा कि राहुल लाल ने अभी कहा कि राहुल जी का स्टेटमेंट ये था कि हम तपस्या कर रहे हैं, 138 साल पुराना आंदोलन इस देश में तपस्या करते करते ही आगे चलता आया है और इस देश को साथ लेकर चला है। आगे चलकर ये जो पूजा और तपस्या की बहस है, इस बहस को उस थाली में जो खाना नहीं है, जो सरकार को ये कहना पड़ता है कि हम फ्री में देते हैं, सक्षम बनाने की बात करिए ना। 71 से गरीबी हटा रहे थे, उसके बाद में 82 में इंदिरा जी गरीबी हटा रही थी, उसके बाद में 85 में राजीव जी गरीबी हटा रहे थे और अभी भी आप थाली की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, आपका जो 55 साल आपने राज किया और आज भी गरीब की थाली में थाली नहीं है। अगर अनाज नहीं है, अगर आज भी गरीब की थाली में अनाज नहीं है, खाना नहीं है, तो शर्म आना चाहिए आपको। 55 भैया जी बहुत ये अभी अनाज की बात कर रहे हैं भाजपा वाले, ये 10 किलो अनाज देते थे 81 करोड़ लोगों को, उसमें भी इन्होंने जो कटौती बढ़ा दिया, 5 किलो कर दिया, 5 किलो कर दिया भैया जी, 10 किलो देते थे 5 किलो कर दिया। जो ये इन्हें पता नहीं है, ये सिर्फ चुनाव के समय में ऐसी बातें करते हैं कि किसी तरीके से ध्यान भटकाया जाए। मगर भैया जी मैं एक बात कह रहा हूँ, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है देश का। भैया जी बढ़ती महंगाई देश के लोगों को, युवाओं को, 1 करोड़ लोग भैया जी सुनो पंकज भाई सुनो, 1 करोड़ नौकरी सरकारी नौकरियों में है, मगर भैया जी वो पद नहीं भरे जा रहे। सवाल जवाब इस पर होने चाहिए। प्रतीक जी, निरंजन जी को सच में शर्म आनी चाहिए। चलिए चलिए पंकज, निरंजन जी को सच में शर्म आनी चाहिए। आ रहा भाई, मैं पहले बताना चाहता हूँ राहुल गांधी को कि चंदन है भारत की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा राम है। ये नौटंकी करने से कुछ नहीं होना। इतने दिन 60 साल का खाए हो, 8 साल में पेट में दर्द होना। 60 साल खाए हो और पेट में, जोर से बोला करो, पेट में दर्द है जी। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? कह रहे थे कि इसके पहले कहाँ थे राहुल गांधी जी? हाँ। भारत जोड़ने निकले तो है, तो वही रुकना है। अरे तो भाई तपस्या तो किसी भी उम्र में शुरू की जा सकती है। भाजपा से, वो भाजपा से प्रभावित है तभी तो तपस्या कर रहे हैं। प्रतीक जी देखिए, शर्म इनको क्यों आनी चाहिए? और निरंजन जी आप हंस रहे हैं और आपको हंसना नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको जी। हाँ। देखिए हाँ। प्रतीक जी हाँ। देश में फाइनेंस मिनिस्टर सदन में खड़ी होकर क्या कहती हैं कि रुपया जो है वो बाकी करेंसी के मुकाबले बहुत अच्छा कर रहा है। अभी हफ्ते भर पहले सर्वेक्षण निकला, एशिया के अंदर वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी वो हमारा रुपया है, तो शर्म तो उस बात पर आनी चाहिए जी। मैं आया, अरे आया, समाजवादी पार्टी के बगैर तो बात ही नहीं राम की हो सकती है जी। देखिए ये जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुझे लगता है राहुल गांधी से ज्यादा अच्छे अध्यक्ष ये साबित होंगे, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए क्योंकि ये मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन बेचारे क्या करें, अब तपस्या और पूजा की बात करते राहुल गांधी और जस्टिफाई करते रहते हैं बेचारे। ये अब प्रवक्ता करे तो क्या करे बेचारा, तीर तो छोड़ते राहुल गांधी और बचाव करते रहते हैं बेचारे प्रवक्ता जी। जनाब सर ये मूर्ख वाली लैंग्वेज है। कौन वाली? तपस्या और पूजा अलग अलग है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। सिक्का एक है, जिसे तपस्या करी वो पूजा करे, जिसे पूजा करी वो तपस्या करेगा। गजब है। अंदर आओ,
आ जाओ। क्या नाम है आपका? श्याम चौहान। श्याम चौहान कहाँ से हैं आप? फ्रॉम दिल्ली। श्याम चौहान फ्रॉम नरेला। नरेला से। तो आपने कहा ये दोनों एक ही है जी? एक सिक्के के दो पहलू है, सिक्का एक है। ये बहस मूर्खों वाली है। मूर्खों वाली नहीं, आपकी नहीं। राहुल गांधी वाली बात कर रहा हूँ। राहुल कह रहा है ना तपस्या और पूजा अलग अलग है, एक ही है। जिसे तपस्या के लिए पूजा कर रहा है, किसी कर रहा है? परमात्मा की कर रहा है। डेढ़ सौ क्या काम करते हैं श्याम जी आप? मैं टीचर हूँ सर। टीचर हैं? इन्होंने कहा कि दोनों एक ही पहलू हैं। इधर भी उधर। हाँ जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? असम से आई हूँ। असम से? ओए होए, आज ही आई? ट्रेन सही चल रही है? आपके लिए, आपसे मिल। मेरे लिए आया? बहुत अच्छी बात है भाई। पानी वानी मिलाओ, जरा गाड़ी साहब पानी लाओ। अरे पानी तो पीजिए पहले। चाय पिलाएं? मेरी बेटी, सभी लोग जो है ना एनआईटी सिलचर से सब आपको देख रही है लाइव। अच्छा लाइव देख रही है वहाँ सिलचर से, एनआईटी से? बहुत अच्छी बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, बहुत अच्छी बात है। जनाब आप कहाँ से आना हुआ आपका? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में बीकानेर जिला। बीकानेर जिला, बहुत सुंदर जिला। क्या नाम है इनका? कीर्तिका। हम तो सोचे थे नाम रखे होंगे पूजा या तपस्या। क्या नाम रखा? कीर्तिका। कीर्तिका, बहुत अच्छा। जनाब इन्होंने कहा तो एक ही पहलू है, एक ही सिक्का है। आप बताइए तपस्या कैसे अलग है और पूजा कैसे अलग है? 19 हुआ, 21 में ब्रेक लूंगा जी। तो प्रतीक जी ऐसा है कि सनातन धर्म में सबसे ऊंचला पायदान किसका है? जगत गुरु शंकराचार्य का। हाँ जी, वो तपस्वी है ना। हाँ, पुजारी तो नहीं। लेकिन कर्मकांड का भी अपना महत्व तो है, उस कर्मकांड को आप नकार नहीं सकते। प्रतीक जी मैं तो कर्मकांडी ब्राह्मण ही हूँ। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ आपसे, नीरज जी आप कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि कर्मकांड का अपना महत्व है, उसको नकारा नहीं जा सकता। कोई नहीं नकार रहा है। हाँ। देखिए वो जो बयान था, उस बयान में बात कुछ और कही गई, लेकिन उसको किसी और डायरेक्शन में ले गए मौलाना। अरे आओ मौलाना, बोले कि आप समझ नहीं पाए। ठंडा ना लगे। बोले आप समझ नहीं पाए, दरअसल तपस्या का मतलब कुछ और था, पूजा का मतलब कुछ और था। पूजा का मतलब यहाँ ये था कि आरएसएस और बीजेपी की परिक्रमा करो, इसका मतलब ये था। कांग्रेस ने एक बार तपस्या किया तो देश के दो टुकड़े हो गए, बहुत बढ़िया, ये तपस्या था कांग्रेस का। फिर दूसरी बार तपस्या कांग्रेस ने किया जब पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का दावा किया जा रहा था, तब बांग्लादेश के लोगों को भारत में, जिसको आज मुद्दा बनाया गया, घुसपैठिया। अगर कांग्रेस तपस्या उस समय सही कर ली होती तो आज वो मुद्दा देश में नहीं होता जिसके भुक्तभोगी हम हैं। आज बांग्लादेशी किसे कहा जाता? कोई भी मुसलमान बांग्लादेशी क्यों? 1971 में जब बाहर आपने दो टुकड़े किए तो आपको सीमाओं की सुरक्षा उसी समय करनी थी, उसी समय टाइमलाइन आपको बनाना था, उसी समय नियम बनाने थे। आपने कहा बस आ जाओ, जिसको आना था आ गया, अब कह रहे हो जाओ। और उसके चक्कर में हम जैसों को भी कह रहे हो तुम भी जाओ। आप देख रहे हल्द्वानी में भी कहा गया, बांग्लादेशी घुसपैठिया। सिर्फ कांग्रेस की तपस्या, जो तथाकथित तपस्या है, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा। और रही बात तपस्या की, प्रधानमंत्री जी तपस्वी भी हैं और कहा जाता कर्म ही पूजा है, बड़ा प्रचलित शब्द है। तो बहुत बड़े जो है तपस्वी भी हैं और वो पूजा में लीन है, कर्म कर रहे हैं। अब राहुल जी जिस तपस्या की बात कर रहे हैं, उनको कम से कम 2030 तक वो तपस्या अभी और करनी पड़ेगी जिसकी बात। एक रिएक्शन लेना चाहूंगा कि जब वो व्याख्या हो रही थी। क्या नाम है साहब आपकी? अर्जुन पंडित नाम है मेरा। अर्जुन पंडित साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला मेरठ का। अरे मेरठ में तो बाबू सब कुछ बदल जाता है, कुछ लेके चलो मेरठ तक भूल जाता है। लेकिन जी जनाब बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? बोलूंगा जो मौलाना जी ने बोला ना कि कर्म ही पूजा है, तो बहुत अच्छी बात है, कर्म ही पूजा है। बाकी तो कोई यात्रा निकाले चाहे शोभा यात्रा निकाले, कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी रहेंगे हमेशा, है हमने रखा है शेर, हमारे लिए मोदी जी शेर है, ठीक है ना। अब महंगाई कुछ भी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सपोर्ट में खड़े हैं उनके हमेशा। मैं युवा हूँ, मेरी नौकरी नहीं है, मैं युवा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। बस कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। कहने लगे कि नरेंद्र मोदी जी शेर हैं और मुझे वही चाहिए। अब जिसको चाहिए उसमें क्या करेगा, कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं आया जी। हाँ जी, उन्होंने
नौकरी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी नहीं। हिमाचल में सरकार बढ़ जाए साहब 3 रुपए डीजल बढ़ा दीजिए बेरोजगार की भी। अरे महंगा की बात गजब है भाई। पंकज जी ने भी बता दिया अपनी बात। क्या नाम है तुम्हारा? संजोत। अच्छा और तुम्हारा? चलो आज तो तुम्हारा नाम तपस्या, एक का नाम पूजा। ठीक है भाई, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आया चीजान तुम्हारा जब चेहरा, तुम्हारी आंखें जब मुझसे मिल जाती हैं, तो मुझे लगता है कि सारे मुद्दे बेईमानी हैं। तुम्हारी तरफ ही आंख देख के मैं कहता हूँ वक्त एक छोटे से